हेलो गाइस, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं दाल तड़का विद जीरा राइस। दाल तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए दाल, टमाटर, ऑनियन, खड़े मसाले, इमली और तेल। ठीक है, मैं सारा प्रोसीजर ना एक ही बारी में कंप्लीट कर दूँ क्योंकि मैं दाल बनाने वाली हूँ प्रेशर कुकर में। एक ही बार में तड़का लगा के उसको बंद करके मैं फुल आउट कर दूँगी। ठीक है, पहले आप पैन में तेल गरम कर लो, फिर उसमें राई, जीरा, कड़ी पत्ता, लौंग, तेज पत्ता, जो भी खड़े मसाले आपके पास है उनको डाल दो। मैं लाल मिर्ची का इस्तेमाल करूँ, आप ग्रीन चिली का भी यूज़ कर सकते हो। कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया। अब इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ लहसुन। लहसुन अभी डालोगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बट हमेशा ना हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें जो हींग होती है उसे एंड में डालना। स्टार्टिंग में अगर आप हींग को डालोगे तो वो जल जाएगी, उसको फ्लेवर नहीं आएगा। तो इस स्टेज पे आप हींग को डाल सकते हो और अच्छे से सारे मसाले को मिक्स आउट कर लो और अच्छे से एक बॉईल आने दो। जब तक एक बॉईल आएगा ना उसमें आप ऑनियन डाल देना। ऑनियन डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स आउट कर लो और उसे थोड़ा सा भून लो जब तक वो रेडिश ना हो जाए। जब उसका कलर रेड कन्वर्ट होने लगे तो आपको पता है आपको क्या करना है। जब आप ऑनियन का फ्लेवर रेडिश होने लगे तो इस स्टेज पे आपको उसमें टोमेटोज को ऐड कर लेना है। और टोमेटोज को ऐड करने के बाद आपको पता है क्या करना है। हाँ, अच्छे से दोनों को मिलाने के बाद, टोमेटोज ऐड करने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेना है। तो टोमेटो और ऑनियन दोनों को अच्छे से मिक्स आउट कर लेगा। फिर हमें भिगी हुई दाल इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने दाल भिगो के नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, ऐसे दाल को डाल सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर मसाले लिए हैं। इसमें है हल्दी, नमक, मिर्ची और मैंने गरम मसाला लिया है, मैंने सांभर मसाला लिया है और मैंने धनिया पाउडर लिया है। ठीक है, लास्ट में आप थोड़ी सी इमली को ऐड ऑन कर लो जो बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। ठीक है, अगर आपको पसंद हो आप इस स्टेज में आप चीनी भी ऐड आउट कर सकते हो। अगर आपको गुजराती स्टाइल की दाल पसंद है, मैं यहाँ पर लास्ट में थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ और पानी डाल के मैं कुकर को बंद कर दूँगी। पानी आप कितना डालोगे आपकी मर्जी, जितना आपको चाहिए। आपके घर पर जितने लोग हैं, जितने लोगों के बना रहे हो उस स्टेज पर आप डाल दो पानी। ठीक है, लास्ट में आप क्योंकि आप प्रेशर कुकर में दाल बना रहे हो तो सारे मसाले ना बाहर आ जाते हैं और बहुत ख़राब हो जाता है। तो ठीक है, अपना लास्ट में ऑयल ऐड कर दोगे तो कोई मसाला बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और आपको पांच सीटी ले लेनी है। फिर हम प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। हम बनाने वाले अपने जीरा राइस। अब जीरा राइस बनाना बहुत ईजी। मैंने चावल ऑलरेडी बना कर रख लिए थे तो मैं एक पैन में घी गर्म करती हूँ। उसमें मैं डाल रही हूँ बहुत सारा जीरा। आप 2 to 3 स्पून जीरा यूज़ कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर एक तेज़पत्ता लिया जो अच्छा सा फ्लेवर देगा और मैं बहुत 3 चम्मच में जीरा इसमें यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप कम लोग हो तो आप कम यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। बट मेक श्योर कि जब भी आप जीरा राइस बनाओ तो आप तड़का घी का लगाओ जो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा आपके चावलों को और उसे एकदम मस्त बनाएगा। ठीक है, जब जीरा ना, डोंट कभी भी जीरे को ब्लैक मत होने देना वरना पूरा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो आपको जीरा ना जब भी गोल्डन हो जाए तो गैस को ऑफ कर दो और अपने चावल को उसके अंदर मिक्स आउट कर लो और उससे कोरिएंडर से, धनिए से उसे अच्छे से गार्निश कर दो। ठीक है, इस स्टेज पर इसे बंद करके रख दो साइड में और दाल को अच्छे से चला लो। एंड मैं दाल को अच्छे से मिक्स आउट कर रही हूँ ताकि वो अच्छा फ्लेवर आए। और यार ये इतना यम्मी बना था, मैं तो हमेशा बीच में होल्ड करके दाल को डाल के फिर यम्मी खा जाती हूँ। मैं इसलिए इतना कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये खाने के बाद वीडियो एडिट किया, थोड़ी पहले वीडियो एडिट किया है। बहुत अच्छा और टेस्टी और यम्मी।